सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर तो एकदम अच्छा ही होंगे। सो भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा 100% रियल सीबी एडिट करेंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही इजी तरीके से। गाइस, ये वाला वीडियो आप फुल देख लेते हो तो बहुत ही हार्ड तरीके का सीबी एडिटिंग आप भी सीख जाओगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो प्लीज़ यार, वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूँ फुल देखने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो कर लेते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करके। सो गाइस, अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद अपने फ़ोन से पिक्सार ऐप को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेने के बाद अपना एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट कर दे आपको कर देना है। थोड़ा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेंगे, प्लस का ऑप्शन। सो गाइस, यहाँ पर प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है एडिट करने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दी जाएंगे, एडिट टू फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और एक बैकग्राउंड को यहाँ से आप लोग ऐड कर लेना है। तो ये वाला बैकग्राउंड मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो भाई देख सकते हो, एक बैकग्राउंड को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, टूल ऑप्शन। तो यहाँ पर टूल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिसाइज पर क्लिक करना है। इसकी साइज को सबसे पहला बात मैक्सिमम साइज पर कर लेना, जैसे कि हमारा एडिटिंग पूरा हाई क्वालिटी पर अच्छा है बने, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ऐड फोटो पर क्लिक करके अपने ओरिजिनल फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हो, फोटो का कटआउट हमने पहले से ले रखा है। आपको कटआउट करना नहीं आता तो फोटो रूम ऐप से बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। सो गाइस देख सकते हो, दोबारा से हम लोग ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग गाइस एक लाइट पिंच को ऐड कर लेंगे। तो भाई देख सकते हो, एक और लाइट पिंच हमने ऐड कर लिया। नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ब्लेंड का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन पर कर लेना, ठीक है। मतलब नॉर्मल से स्क्रीन पर कर लेना है और इस टाइप से अपने फेस के ऊपर ऐसे लगाना है। और ऊपर एक लेयर ऑप्शन दिख जाएंगे, लेयर पर क्लिक करके यहाँ से कर दो आप मूव डाउन। सो भाई देख सकते हो, मूव डाउन करने के बाद देख सकते हो, मैंने जो व्हाइट कलर की लाइट पिंच है अपने फोटो के पीछे चलेगा। और इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद अपने फोटो के यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है भाई। और भाई इतना हो जाने के बाद यहाँ से दोबारा आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। और नीचे देख सकते हो, बहुत सारे फोटो यहाँ पर दिख जाएंगे। एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो यहाँ पर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, साइज को इस टाइप से इंक्रीज कर लो, अपने फोटो के ऊपर ऐसे लगा देना है। और इस टाइप से देख सकते हो, इसकी ऑपेसिटी को इतना परसेंट आपको कर लेना है। देख सकते हो गाइस, मैं जितना कर रहा हूँ 50% पर आसपास कर लेना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, इरेजर ब्रश। तो यहाँ पर क्लिक करके नीचे इन्वर्ट पर आपको कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से गाइस फोटो आपसे जूम करना है और अपने फेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। देख सकते हो गाइस, साइज को अपने हिसाब से कर लेना है और इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। देख सकते हो गाइस, फेस गोरा हो रहा है। तो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो भाई देख सकते हो, फेस के ऊपर हमने कलर कर लिया। इतना हो जाने के बाद यहाँ से अपनी फोटो को राइट कर दो और इसकी ऑपासिटी को इतना परसेंट यहाँ पर कम कर लेना। देख सकते हो, इतना भी नहीं एकदम कम भी नहीं, मतलब पूरा अपने हिसाब से ये वाला मतलब ऑपासिटी को आपको ठीक ठाक कर लेना, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद अपने फोटो को फिर से राइट ऑप्शन पर क्लिक कर दो। तो भाई देख सकते हो, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर ऐड फोटो पर दोबारा से क्लिक करना है और फिर से गाइस आपको बैकग्राउंड पर ही क्लिक करना है और एक योला कलर का बैकग्राउंड आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। देख सकते हो गाइस, योला कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर दिख जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड कर लेना है और अपने बॉडी के ऊपर इस टाइप से इसका फुल साइज आपको कर लेना है। और नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ब्लेंड का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मल्टीप्लेयर और डार्किन दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे और किसी भी आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो, मैं यहाँ पर किसी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लेयर पर आपको कर लेना है, दोनों एक ही दिखाएंगे। और यहाँ से इतना हो जाने के बाद यहाँ से आपको ब्रश ऑप्शन पर दिख जाएंगे, ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन्वर्ट पर कर लेना है। और यहाँ से गाइस फोटो को जूम करना है और अपने टी शर्ट के ऊपर इस टाइप से आपको अप्लाई कर देना है। सो गाइस देख सकते हो, कितना बड़े तरीके से टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। सो भाई इतना हो जाने के बाद अपने सनग्लास के ऊपर भी यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है। देख सकते हो भाई, कितना बवाल लग रहा है हमारा टी शर्ट का कलर। और इतना हो जाने के बाद यहाँ से फोटो को राइट कर दो, ठीक है। और इसकी ऑपासिटी को आप देख सकते हो, फोटो को मैं बिफोर अपना दिखा देता हूँ।
और नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे एडजस्ट टूल, तो यहाँ पर भाई सिलेक्ट करना है, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लो और कंट्रास्ट को भाई थोड़ा इंक्रीज करने के बाद सेचुरेशन को भाई थोड़ा ऐड कर लो अपनी फोटो के ऊपर और इसकी हाईलाइट को एडजस्ट कर लो और शैडो को भाई थोड़ा इंक्रीज करने के बाद अपनी फोटो को फिर से राइट कर दो। तो भाई देख सकते हो फोटो कितना कलर आ चुका है अपने फोटो के ऊपर, कितना चमक आ गया, सीबी इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसका रिमेन अभी दूंगा ठीक है सीबी इफेक्ट। तो यहाँ से आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे आर्टिस्टिक, तो यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे फेटल वन, तो फेटल वन पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर दोबारा से आपको टैप करना है और यहाँ से गाइस आपको मल्टीप्लायर पर कर लेना है ठीक है, यहाँ से नॉर्मल से मल्टीप्लायर पर कर लेना है ठीक है। तो देख सकते हो इसकी फेड को यहाँ से जीरो कर दो और यहाँ से एक ब्रश दिख जाएंगे, ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ से गाइस अपने यहाँ से फोटो को जूम करना है और अपने हाथों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, बॉडी से ऊपर इस टाइप से आपको ऐसे इरेज कर दो ठीक है। तो देख सकते हो भाई इस टाइप से आपको इरेज कर देना है। तो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ वीडियो को। तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से अपने फोटो को राइट कर दो। तो देख सकते हो भाई यहाँ से दोबारा से अपनी फोटो को यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करना ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो फोटो के ऊपर सीबी इफेक्ट आ ही चुका है पूरा, देख सकते हो भाई। इसकी कलर को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए यहाँ से टूल ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस को इतना परसेंट इंक्रीज कर लो, यहाँ से कंट्रास्ट को भाई थोड़ा इंक्रीज कर लो और क्लैरिटी को भी थोड़ा इंक्रीज कर लो देख सकते हो, और सैचुरेशन को अपने फोटो के ऊपर थोड़ा ऐड कर लेना है, ज़्यादा नहीं भाई 67/43 के आसपास कर लेना है आपको। और यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लो, शैडो को भाई थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर लो ठीक है। तो भाई इतना हो जाने के बाद देख सकते हो अपनी फोटो को यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक कर दो और इतना हो जाने के बाद यहाँ से दोबारा आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके कुछ लाइट पीएनजी वगैरह ऐड कर लेंगे। तो भाई देख सकते हो दो तीन लाइट पीएनजी और टेक्स्ट पीएनजी हमने ऐड कर लिया है। यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करके सारे पीएनजी को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कर लेना है। तो यहाँ से ब्लेंड पर क्लिक करो और स्क्रीन कर लो, यहाँ से टेक्स्ट पीएनजी को आप लाइट भी कर सकते हो, देख सकते हो जितना मतलब जितना अपने फोटो के ऊपर एडजस्ट होगा वही करना ठीक है। तो देख सकते हो तीनों आपको ऐसे इस टाइप से अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। देख सकते हो ये जो टेक्स्ट पीएनजी ऊपर लगाएंगे और ये जो रेड कलर की जो लाइट पीएनजी है ये इस टाइप से लगाएंगे, और जो तो येलो कलर की जो पीएनजी है देख सकते हो यहाँ पर आपको लगाना है, इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर ठीक है। और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा ऐसे आपको कम कर लेना है ठीक है। तो देख सकते हो भाई फोटो कितना बबल लग रहा है पूरा, एकदम हार्ड तरीके का सीबी एडिटिंग हो चुका है, देख सकते हो भाई फोटो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस आपको ड्रॉ टूल पर क्लिक करके आप बहुत ईजी तरीके से अपने फोटो को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। सो भाई आपको एडिटिंग पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक करके देना और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके देना। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।